थ्योरम नंबर थ्री है, स्टेटमेंट है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑन ए कॉर्ड बाइसेक्टेड। अगर हम एक सर्कल है उसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर, सर्कल की कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर यानी दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा। गिवन लिखते हैं, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर एट ओ, ओ एम परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। तो ये कॉर्ड आपको नजर आ गई ए बी, और ये परपेंडिकुलर है ओ एम। इसका मतलब है कि ओ एम ए एंगल 90 का और ओ एम बी एंगल भी 90 का हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर ओ एम इस कॉर्ड ए बी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, यानी ए से एम फासला बराबर है बी से एम फासले के। तो ये हमने प्रूव करना है। तो टू प्रूव, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी, दैट इज मेजरमेंट ऑफ ए एम इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम। अब हम अपनी मदद के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम ज्वाइन करते हैं ओ को ए और बी से, ताकि आपको ट्राइंगल्स हासिल हो जाएं। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं और इस फिगर को अगले पेज पर ड्रा कर लेते हैं। तो प्रूफ के दो हिस्से हैं, स्टेटमेंट और रीजन। हम सीखे हैं कि अगर हम दो ट्राइंगल्स को एक जैसा प्रूव कर दें, यानी कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल कॉन्ग्रेंट या इक्वल हो जाएंगे। अब हमारे पास दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ओ एम ए, दूसरी ट्राइंगल है ओ एम बी। अब इनमें से एक एंगल तो हमारे इलम में है, ये तो फिक्स हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री। ऐसी सूरत में ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको तीन की बजाय दो चीजें जो हैं प्रूव करनी होती हैं। एक वो दोनों चीजें होंगी उसकी दो साइडें कोई सी भी। तो हम करस्पॉन्डेंस लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए एम और ओ बी एम की। आप देख सकते हैं कि मेजर एंगल ओ एम ए 90 डिग्री और मेजर एंगल ओ एम बी 90 डिग्री। तो ट्राइंगल के अंदर जो तब्दीलियां हो रही हैं फिगर के अंदर, उनके ऊपर नजर रखिए। ये गिवन में हमने उसको बता दिया था कि ये सर्कल ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ई बी के ऊपर। अब देखें कि ओ ए और ओ बी जो हैं ये हाइपोटेनियस हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। तो ओ ए हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल में और ओ बी हाइपोटेनियस है इस ट्राइंगल के अंदर। रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि ओ से ए का फासला रेडियस के बराबर है और ओ से बी का फासला भी रेडियस के बराबर है। और ओ एम कॉमन है। ये जो साइड ओ एम है ये दोनों ट्राइंगलों का मुश्तरका हिस्सा है, इसलिए ओ एम ट्राइंगल ओ एम साइड ट्राइंगल ओ ए एम में भी है और ओ एम ट्राइंगल साइड ट्राइंगल ओ बी एम के अंदर भी है। तो ये कॉमन हो जाएगी, तीन चीजें एक जैसी हो गई, एंगल साइड साइड। इसी तरतीब में हम हाइपोटेन्यूस पार्शलेट को लिखेंगे। तो ट्राइंगल ए ओ ए एम, ट्राइंगल ओ ए एम कॉन्ग्रेंट हो गई ट्राइंगल ओ बी एम के, और रूल कौन सा यूज किया है, एंगल साइड साइड। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आप लिख सकते हैं
हाइपोटेन्यूस साइड, क्योंकि ये एंगल तो अंडरस्टूड बात है 90 का, तो ये हाइपोटेन्यूस है और ये एक साइड है, तो आप एंगल साइड साइड भी लिख सकते हैं और हाइपोटेन्यूस और साइड भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगलें एक जैसी हो चुकी हैं, कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं, तो अगर हम ये कॉमन साइड से इसको फोल्ड करें तो बी पॉइंट ए पे आ जाएगा और ये ए से एम फासला छुप जाएगा बी से एम फासले के नीचे, दूसरे लफ्जों में ए एम फासला इक्वल हो जाएगा बी एम फासले के, और ये दोनों फासले जो हैं, ये दोनों साइडें जो हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो मेजरमेंट ऑफ ए एम इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी एम, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, और यही रिलेशन हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ओ से एम का फासला बराबर है ओ से यही रिलेशन हम प्रूव करना चाह रहे थे कि ए से एम फासला बराबर है बी से एम फासले के। तो एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, तो प्रूव हो चुका है ओ एम बाइसेक्ट द कॉर्ड ए बी, तो प्रूव हो चुका है कि ओ एम ए बी कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है।